जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यार आज फाइनली Redmi 9 को ऑफिशियली इंडिया पे लॉन्च कर दिया है। Amazon पे इस मोबाइल को लॉन्च किया है और मैं पिछले वीडियो में बताया था कि Redmi 9 जो है Redmi 9C का रीब्रांडेड वर्जन होगा, वही हुआ है। लेकिन मैं पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि Redmi 9C में ट्रिपल रियर कैमरा है और Redmi 9 में इंडिया पे जो लॉन्च हो रहा है उसमें ड्यूल रियर कैमरा है, तो ये कैमरा को निकाल के फेंक देगा। और वैसे ही किया है, एक कैमरा को निकाल के फेंक दिया है और ड्यूल रियर कैमरा के साथ Redmi 9 को इंडिया पे लॉन्च किया है। लेकिन जिस प्राइस रेंज में लॉन्च किया है उस प्राइस रेंज में मार्केट में और भी बहुत सारा अच्छा अच्छा मोबाइल है, तो इस मोबाइल को खरीदने से पहले मतलब आप थोड़ा सा पगला जाएंगे, क्योंकि मार्केट में और भी बहुत सारा मोबाइल आपको इसी प्राइस रेंज में बेहतर से बेहतर फीचर्स के साथ आपको मिल जाता है। तो भाई क्या Redmi 9 आपको परचेस करना चाहिए या फिर वो सारे मोबाइल में आपको जाना चाहिए, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ में प्राइस भी बताऊंगा, सारे फीचर्स भी बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखना। उससे पहले चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना और बाजू में बेल का घंटा उसको भी दबा देना और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों मोबाइल मार्केट का जो किंग है वो है Redmi, और Redmi को हमेशा टक्कर देता है Realme। ये स्टार्टिंग से हो रहा है, मतलब स्टार्टिंग से Redmi को Realme टक्कर दे रहा है। और Redmi जो ये नया फ़ोन लॉन्च किया है Redmi 9, इसका लुक और डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसका बैक पैनल में जाएंगे तो कैमरा पैनल जो है इस बार अलग डिज़ाइन में बनाया है। इससे पहले Redmi का 9C जो ग्लोबली वर्जन आया था उसी में ये कैमरा पैनल हमें देखने को मिला था, उसी का रीब्रांडेड वर्जन है, तो सेम टू सेम वैसे ही आपको देखने को मिल रहा है। दो आपको सेंसर मिल रहा है, एक्चुअली चार आपको देखने को मिल रहा होगा, लेकिन एक LED लाइट है और एक ऐसे सिंपल है। और इसका बैक पैनल में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर और तीन कलर वेरिएंट में ये फोन आपको मिल रहा है देखने को, जो कि है ब्लैक, ब्लू और ऑरेंज। और फ्रंट में वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले है, तो लुक बहुत ही अच्छा है, मुझे तो खास करके अच्छा लगा लुक और डिजाइन। बाकी अगर फीचर्स की बात करें तो 6.5 इंच का एक HD प्लस रेजुलेशन वाला वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले इस मोबाइल में दिया गया है, जिसका रेजुलेशन 720x1600 पिक्सल का रेजुलेशन है। मतलब एक ठीक ठाक क्वालिटी का डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि एक LCD पैनल है। और इस मोबाइल में गोरिल्ला ग्लास का भी प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन चिपसेट की बात करें तो ये मोबाइल जो है MediaTek का हेलियो G35 चिपसेट के साथ आया है, जो कि इससे पहले Realme का काफ़ी मोबाइल में आप देख चुके हैं। Realme C11, C12 और C15 में आपको जो है ये चिपसेट देखने को मिला था। और ये जो चिपसेट है एंट्री लेवल में सबसे बेस्ट चिपसेट है, मतलब प्राइस रेंज के हिसाब से देखा जाए तो ठीक ठाक चिपसेट है। इसमें आप थोड़ा बहुत गेम भी खेल सकते हैं। लेकिन इंटरनल स्टोरेज की बात करें और रैम की बात करें तो इस मोबाइल में दो वेरिएंट आपको देखने को मिलता है, 4GB का रैम, 64GB का इंटरनल स्टोरेज, प्राइस मैं आपको बाद में बताता हूँ, और 4GB का रैम और 128GB का इंटरनल स्टोरेज, दो वेरिएंट आपको देखने को मिलता है इस प्राइस रेंज में। मार्केट में आपको 4GB का रैम के साथ मोबाइल नहीं मिलता है जो भी Realme का मोबाइल है, तो ये एक अलग सा मतलब पॉइंट हम लोग कह सकते हैं। बाकी अगर बात करते हैं इस मोबाइल का कैमरा का, तो जैसे मैंने बताया ड्यूल रियर कैमरा था, मतलब 13+2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और साथ में सिंगल LED लाइट दिया गया है। और इस मोबाइल का सेल्फी कैमरा की बात करें तो 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको जो है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ इस मोबाइल में मिल जाएगा। बैटरी की बात करें तो 5000mAh का बैटरी दिया गया है इस मोबाइल में, और इस मोबाइल में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है, आपको 10W का नॉर्मल सा चार्जिंग दिया जाएगा। एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स, लेकिन MIUI का जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है MIUI 12 वो आपको इस मोबाइल में देखने को मिल जाएगा आउट ऑफ द बॉक्स। और साथ में फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, फेस अनलॉक भी है, माइक्रो USB का सपोर्ट है, 3.5mm का हेडफोन जैक का सपोर्ट है, 4G VoLTE का सपोर्ट है। मोबाइल में जितना सारा सेंसर दिया जाता है सारे सेंसर इस मोबाइल में आपको देखने को मिल जाएगा। तो भाई मोबाइल का प्राइस रखा है, दो वेरिएंट का प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, 8999 प्राइस रखा है, जो 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज हो, और जो 4GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज है उसका प्राइस रखा है 9999। और मैं 4GB और 64GB की बात करता हूँ, जो कि 8999 में आया है। इस प्राइस रेंज में आपको मार्केट में Realme का तीन मोबाइल मिल जाता है, Realme C3, Realme Narzo 10A और Realme C12। तीनों मोबाइल बहुत ही ज़बरदस्त है, और अगर आप गेम खेलना चाहते हैं तो Realme Narzo 10 ये आपको खरीदना चाहिए, इसी प्राइस रेंज में आपको मिलता है मार्केट में, क्योंकि MediaTek के हेलियो G70 आपको देखने को मिल जाता है। और अगर आपको बैटरी बड़ा चाहिए तो Realme C12 में जाना चाहिए, क्योंकि 6000mAh का बैटरी उस मोबाइल में आपको देखने को मिलता है। तो इस जगह पे Redmi को टक्कर देने के लिए मार्केट में तीन मोबाइल ऑलरेडी Realme का है। तो भाई मेरे हिसाब से Redmi का ये जो मोबाइल है लुक और डिज़ाइन भी बेहतर है, फीचर्स भी बेहतर है, इस जगह पर रैम और इंटरनल स्टोरेज थोड़ा
थोड़ा सा आपको ज़्यादा मिलता है, क्योंकि Realme का जो भी मोबाइल अभी मार्केट में है इस प्राइस रेंज में, सारे मोबाइल में 3 GB का रैम आपको देखने को मिलता है और 32 GB शायद इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है। इस जगह पर Redmi जो है 4 GB के साथ 64 GB आपको दे रहा है। तो आपको अभी डिसाइड करना है कि कौन सा मोबाइल आप खरीदें। बाकी ये भी मोबाइल बहुत ही ख़राब नहीं है, अच्छा मोबाइल है, प्राइस रेंज के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। अगर 1000 या फिर 500 कम होता तो बहुत ही अच्छा होता। चलो कोई बात नहीं, Redmi ने नया मोबाइल लॉन्च किया Redmi 9, और इसके बारे में फुल अपडेट मैं आपको दे दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और हाँ वीडियो से जाने से पहले आप ये वाला वीडियो देखना, और आप चाहे तो ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं और कोई नया इंटरेस्टिंग और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय।